फ्रेंड्स, 10th क्लास मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.3 हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 5। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई दिस बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। ए बी एंड सी तीनों पॉइंट्स ही गिवन है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। वॉट आर द कॉर्डिनेट्स ऑफ ए? 4, -6। बी कॉर्डिनेट्स 3, -2 एंड 4, -6, 3, -2 एंड 5, 2। लेट ए डी इज द मीडियन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल द x1 y1, x2 y2, x3 y3, right? What are these? x1 y1, x2 y2, x3 y3. First of all we have to find the x4 y4 points, right? How can we find it? AD is the median, so D is the midpoint of BC. क्योंकि AD क्या है? Median है। तो median opposite side को दो equal part में divide करता है। तो D क्या हो जाएगा? Midpoint of BC। तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स है वो राइट अप कर लेते हैं। क्या है? x1 कितना है? 4 और 6। चलिए डायरेक्ट वो कर बताता हूं मैं आपको। बिकॉज AD इज द मीडियन। क्या है? AD क्या है? मीडियन है। सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया BC का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या रहेंगे? यहां से निकालेंगे। यहां पर क्या है? x2 और x3 है, तो क्या हो जाएगा? x2 + x3/2। यानी x1 + x2/2 होता था, y1 + यहां पर 2 और 3 है, तो 2 और 3/2 करेंगे, y2 + y3/2। तो क्या रहेगा ये? 3 + 5/2 -2 + 2/2। क्या आ गया है हमारा? 8/2, 4 आ जाएगा, कॉमा ये तो 0 आ जाएगा, 4, 0। क्या आ गया? डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0, राइट? तो ये पॉइंट आ चुका है हमारा। अभी हम क्या करने वाले हैं? अब हमें क्या करने का है? एडी बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और एडी सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी डी में वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ए बी डी राइट किया है हमने। तो यहां x3 y3 नहीं लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे यहां पर x3 और y3, उसी ऑर्डर में लेना है ना, एबीसी जैसे। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? या तो एक काम कीजिए ना, इजी रहेगा आपके लिए, एक ट्राइंगल कौन सा वाला दोबारा बना लेते हैं हम। ए बी डी दोबारा बना लिया, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए 4, -6, 3, -2, राइट? और डी क्या है? 4, 0, ठीक है, 4, 0 आ गया है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने दोबारा लिखिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है? इस तरह से करके अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो क्या आने वाला है? x1 कितना है हमारा? 4, x2 कितना है हमारा? 3, और x3 कितना है हमारा? 4, ये भी 4 है। फिर y1 कितना है हमारा? -6, y2 कितना है हमारा? -2, y3 कितना है हमारा? 0। तो एरिया ट्राइंगल एबीडी क्या होगा? 1/2 (x1 y2 - y3) + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2।
राइट। तो क्या आ जाएगा यहां पर से, वन हाफ एक्स वन, वट इज एक्स वन, फोर ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री, माइनस टू माइनस जीरो प्लस एक्स टू थ्री, जीरो माइनस माइनस सिक्स, यानी जीरो प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे प्लस एक्स थ्री क्या है, फोर ब्रैकेट में वाई वन माइनस वाई टू, माइनस सिक्स माइनस माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस माइनस टू यानी प्लस टू हो जाएगा। क्या जाने वाला है यहां पर से, वन हाफ ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा, माइनस टू की फोर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एट राइट। और यहां पर क्या आएगा, सिक्स प्लस जीरो क्या आएगा, सिक्स ही आ जाएगा, सिक्स थ्री टाइम्स कितना आ जाएगा, एटीन आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, माइनस का फोर बचेगा, माइनस का फोर फोर टाइम्स क्या आ जाएगा, सिक्सटीन आएगा, माइनस का सिक्सटीन, ठीक है, ये आ जाने वाला है। अब यहां पर से क्या होगा, वन हाफ एटीन प्लस का है और माइनस का कितना हो गया, ये ट्वेंटी फोर, कितना बचेगा, सिक्स बचेगा माइनस का, माइनस थ्री आ जाएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस इतना स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में थ्री स्क्वायर यूनिट आंसर आया, राइट। कैसे आया, न्यूमेरिकली। इसी तरह से जैसे हमने एडीपी का एरिया निकाला, ऐसे एसीडी का एरिया निकालेंगे, वो भी थ्री स्क्वायर यूनिट ही आना चाहिए, ओके। तो अब नेक्स्ट हमें एडीसी, इसमें वर्कआउट करें, इन ट्राइंगल एडीसी रीड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल एडीसी को, ए डी सी क्या है, फोर कॉमा माइनस सिक्स, दूसरा क्या है फोर कॉमा जीरो, थर्ड पॉइंट क्या है फाइव कॉमा टू। हम किस ऑर्डर में ले रहे हैं, ये क्या है एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, इस ऑर्डर में हम ले रहे हैं, राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास में, हमारे पास में आ गया कितना, एक्स वन कितना है फोर, एक्स टू कितना है फोर है, और एक्स थ्री कितना है फाइव है, फिर वाई वन कितना है माइनस एक्स, वाई टू कितना है जीरो, और वाई थ्री कितना है टू है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू वन हाफ एक्स वन, व्हाट इज एक्स वन फोर ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इज ऑल्सो फोर ब्रैकेट एक्स टू लिया तो वाई थ्री माइनस वाई वन, यानी टू माइनस माइनस सिक्स, यानी टू प्लस सिक्स आ जाएगा, ओके। फिर प्लस एक्स थ्री, व्हाट इज एक्स थ्री फाइव ब्रैकेट एक्स थ्री आया हमारे पास में तो कितना है फाइव ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, राइट। तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स माइनस जीरो, दिस इज नाउ क्या जाने वाला है, यहां से टू बचेगा माइनस का, फोर टू टाइम्स माइनस एट हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा सिक्स और टू एट, एट फोर टाइम्स कितना होगा थर्टी टू, फिर आगे यहां सिक्स बचेगा माइनस का और फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो थर्टी, माइनस का थर्टी आएगा। तो यहां पर देखें तो क्या आ जाने वाला है, वन हाफ ब्रैकेट थर्टी टू माइनस थर्टी एट, वन हाफ कितना रहेगा यहां पर इंटू माइनस सिक्स, माइनस थ्री आ जाएगा, जो कि न्यूमेरिकली क्या होगा थ्री स्क्वायर यूनिट्स, न्यूमेरिकली माइनस साइन नहीं लेने का है हमको, ठीक है। इस तरह से तो क्या हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई, सो
एरिया ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या आ गया है, एरिया ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या आ गया है हमारा, इक्वल आ गया है, यही हमें प्रूफ करना था। सो मीडियन आप राइट अप कर सकते हैं, सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स ए इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, इस तरह से करके क्लोजिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।